हेलो एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं कामबेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आया हुआ है सुमेरपुर साइड में, शिवगंज से करीबन 14 किलोमीटर दूर है। और हम जा रहे हैं फालना गांव से, यहाँ से करीबन 47 किलोमीटर दूर है। काफ़ी अच्छा मंदिर है सुना है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो बाकी की कहानी आगे जाकर आपको बताते हैं। तो ये है निम्बेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी काफी अच्छा मंदिर है। तो अभी हम आ गए हैं सुमेरपुर, अब यहाँ से जाएंगे और आगे। तो अभी हम आ गए हैं शिवगंज, यहाँ के यहाँ का मार्केट है शिवगंज का, मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम कमलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से और भी बहुत सारे रास्ते आते हैं, एक सुमेरपुर के अंदर से भी आता है और एक हाईवे से भी जाता है बाहर से। तो अभी हम आ गए हैं शिवगंज से बाहर, और ये सीधा जो रोड है वो कमलेश्वर महादेव जी मंदिर जाता है सीधा। तो अभी हम आ गए हैं कमलेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे मेन सर्कल बना बना हुआ है, यहाँ पे महादेव जी की मूर्ति लगी हुई है और वो है गेट। इस गेट के अंदर जाना पड़ेगा सीधा, फिर वहीं पे आपको देखने को मिलेगा मंदिर। काफ़ी अच्छा मंदिर है और थोड़ा ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर, तो यहाँ से अभी जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाके फिर करेंगे भगवान के दर्शन और आप सबको भी करवाएंगे। तो यहाँ पे करीबन 500 फीट ऊपर है, 500 फीट ऊपर मंदिर बनाया है, और करीबन 350 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी, और बंदर तो यहाँ पे भी बहुत हैं। तो 350 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको खाने के लिए धर्मशाला वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, और वो भी काफ़ी सस्ती, 40 रुपये प्लेट आपको थाली मिल जाएगी। और यहाँ पे बीच बीच में आपको बैठने के लिए मतलब काफ़ी अच्छा बनाया है, सीढ़ियाँ भी काफ़ी अच्छी बनाई है सेफ्टी के लिए, और बीच बीच में बैठने के लिए आपको सीट्स वगैरह वो भी बनाई है, मतलब थक जाओ तो बैठने के लिए। बाकी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 350 सीढ़ियाँ हैं, तो आराम से चढ़ सकते हो, और मंदिर काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर, तो ये है मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है और बहुत सारे लोग आते हैं सावन महीने में, तो आप लोग भी ज़रूर आए एक बार दर्शन करने के लिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना, और एक शेयर भी ज़रूर करना।